रतलाम में भाजपा में नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, तो वहीं कांग्रेस में भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस आईटी सेल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के घर पहुंचकर धरना एवं नारेबाजी करने लगे। यहां तक कि उन्हें भाजपा विधायक का दलाल तक कह डाला। कार्यकर्ताओं ने महेंद्र कटारिया पर भाजपा विधायक से सांठ गांठ करने के आरोप लगाते हुए कहा कि हम भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, मगर हमें टिकट ना देते हुए ऐसे लोगों को टिकट वितरण किया है जो कमजोर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। हम लगातार कांग्रेस में 8 साल से सक्रिय हैं, लेकिन चुनावी माहौल है और इस मौके पर हमारा हक बनता है कि हमें टिकट दिया जाए, लेकिन मयंक कटारिया जी ने हमें टिकट न देते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है और नए लोगों है जिनका कोई जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। राशन माफिया दागी और बागी तक को इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो हमने आज इनसे मांग करने के लिए आए थे कि आप हमें जो मेहनत कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, लेकिन ये हमसे बिना मिले वो चले गए हैं और मुलाकात नहीं करी है। और इन्होंने भाजपा के विधायक चेतन कश्यप से साठ गांठ कर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो वो बुरी तरह जो है निष्क्रिय है और अपनी हार सकते हैं ताकि इससे भाजपा को फायदा हो।